वेलकम दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल हर्बल मज़ा। मैं हूँ आपका पर्सनल डॉक्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको इस्तेमाल करने से आप अपनी मर्दाना ताकत को 3 से 4 गुना कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आप घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करके अपनी मर्दाना ताकत को 3 से 4 गुना तक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वीर्य सेक्स के दौरान जल्दी निकल जाता है और आप न खुद सेटिस्फाई हो पाते हैं न अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम नुस्खा शुरू करें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे। दोस्तों, इस नुस्खे में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही पुराने जमाने से इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा चीज, ऐसी दवाई या एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसको आप शायद इससे पहले नहीं जानते होंगे। ये लहसुन है। लहसुन की कली हमने एक इस्तेमाल की है इस नुस्खे के अंदर। दोस्तों, लहसुन के अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अगर आप इसको सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है और टेस्टोस्टेरोन आपका फ्री रेडिकल में तब्दील होने लगता है, जिसकी वजह से आपके पीनिस के अंदर यानी आपके लिंग के अंदर टाइटनेस आने लगती है, आपको जल्दी से इरेक्शन आने लगता है और आपके अंदर एक फुर्ती आने लगती है और आपके अंदर एक जोश आने लगता है और आपके अंदर का जो सोया हुआ मर्द होता है, जो आपको सो चुका होता है, वो आपका ठीक होने लगता है। तो इस्तेमाल कैसे करना है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमें एक कॉपर का, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं, तांबे का हमें एक बर्तन ले लेना है और उस बर्तन के अंदर हमें रात में पानी भर लेना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मर्दों के अंदर कॉपर की कमी की वजह से भी मर्दाना ताकत में कमजोरी आ जाती है, इसलिए कम से कम हम 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ले लिया है। तो ये 1 गिलास पानी हमने तांबे के बर्तन में ले लिया है और ये जो हमारे पास लहसुन की कलियां हैं, इन कलियों को हम छील लेते हैं। तो ये एक कली हो गई है और एक कली और ले लेते हैं। तो ये 2 कली तकरीबन दरमियानी सी 2 कलियां हमने ले ली है। अगर आपको लगता है कि सर्दी का मौसम है तो आप 2 कली इस्तेमाल कर लें और अगर आपको लगता है कि मौसम गर्मियों का है तो आप 1 कली ही इस्तेमाल करें। तो रात में हमें सोने से पहले 1 गिलास पानी तांबे के बर्तन में लेना है और उसके अंदर हमें इस लहसुन को बारीक बारीक काट लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर हमने तकरीबन 2 कलियां लहसुन की डाल ली हैं और इसको ओवरनाइट हमें एक कपड़े से ढककर इसको रख देना है। जब ये सुबह सुबह आप उठेंगे तो उठने के फौरन बाद बासी मुंह, आप ख्याल रखेंगे कि आपको पेस्ट भी नहीं करना है, आपको बासी मुंह इस पानी को पी लेना है और इसके अंदर की जो जितनी भी कलियां हैं उन सारी कलियों को आपको खा लेना है। उसके कम से कम आधा या 1 घंटे बाद आपको नाश्ता करना है। तो ये आप अगर करते हैं दोस्तों, इसको करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक फुर्ती आएगी, क्योंकि आपके अंदर कॉपर का बैलेंस शुरू हो जाएगा, आपके अंदर लहसुन को इस्तेमाल करने से मर्दाना ताकत इंक्रीज होगी, जो जो विटामिंस और जो जो मिनरल्स आपके अंदर जिन चीज़ों की कमी है वो सारी पूरी होगी और घरेलू नुस्खे से ही आपकी मर्दाना ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप हर तरह के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर चुके हैं और जो नुस्खा ये बताया गया है, अगर आपको लगता है इससे भी आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर जरूरी है कि आपको कुछ ऐसे पौष्टिक तत्वों की जरूरत है जो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। ये ही फोर्स के नाम से एक मार्केट के अंदर पाउडर आता है, ऑनलाइन भी आप www.herbalmaza.com से जाकर परचेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। ये ही फोर्स के नाम से एक पाउडर है जिसके अंदर तकरीबन 21 जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जैसे असगंध है, शतावर और कोच की बीज, सालब पंजा, सालब मिश्री, मूसली और सेफ्रोन, इसके अलावा तबाशीर, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं जो कि आपके अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाकर आपकी मणि को यानी आपके वीर्य को गाढ़ा करती हैं। जब आपका वीर्य गाढ़ा हो जाता है तो आपका सेक्स टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक ही इसका डब्बा इस्तेमाल किया है और एक डब्बे को इस्तेमाल करने से ये तकरीबन 1 महीने चलता है ये पूरा डब्बा, और आपको तकरीबन 10 ग्राम डेली इसको इस्तेमाल करना होता है। आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपका हर तरह का मर्ज, आपको हर तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको वीडियो पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।